दर्शकों को एक बार फिर प्रवीण टेक्निकल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में आपने प्रीव्यू तो देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी प्रीव्यू वीडियो का ट्यूटोरियल आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ, जो DHR का प्रोफंड प्रीसेट प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऐसा स्टेटस बनाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिस ऐप का नाम है लाइट मोशन, जो प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। और एक बात और दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, उसे जाके टेलीग्राम को लिंक को विजिट कर लीजिए। कैसे नया नया प्रीसेट और नए नए वीडियो फोटेज आपको मिलता रहेगा टेलीग्राम पे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा सॉन्ग बीट मार्क का लिंक, जब उसे जाके लाइट मोशन में विजिट कर लीजिए। जब विजिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा आपको, जिसमें आपको स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई दिया होगा, सॉन्ग बीट मार्क में ऐड है ये वीडियो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो जब आप विजिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बीट मार्क और दिया होगा उसमें, जो फोटो बीट मार्क होगा। जो फोटो बीट मार्क को क्लिक करेंगे और विजिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो कोई नहीं दोस्तों, बस फोटो बीट मार्क को सेलेक्ट कर लीजिए फटाफट, वही पुराना प्रोसेस। मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, फोटो करने सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं फोटो आपको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट से आपका स्टेटस वीडियो तैयार हो जाएगा। आपको फ़ोटो चेंज करना आता ही है, अगर अपना लगाना चाहते हैं तो बस वहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कैसे चेंज होगा। तो चलिए, मैं फ़ोटो को कॉपी कर लिया, बैक करके अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ और लेयर पे क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। ऑटोमेटिक मेरा फ़ोटो सब सेट हो गया दोस्तों, कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब मेरा बचा है इफेक्ट लगाने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा सेक इफेक्ट लिंक, उसे जाके लाइट मोशन में जब विजिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा सेक इफेक्ट। तो चलिए फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, इफेक्ट लगा लेते हैं हम लोग। इफेक्ट पे कॉपी कर लीजिए पहला इफेक्ट। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में चले जाइए और इफेक्ट को पेस्ट कर लीजिए। तो चलिए, मैं इफेक्ट को फटाफट पेस्ट कर ले रहा हूँ ऐसे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना दोस्तों। एक कमेंट आप लोगों का हमें हिम्मत देती है, इच्छा जगाती है कि नए नए प्रीसेट लेकर आऊं। दोस्तों, मैं एक अक्षर अगर इफेक्ट पेस्ट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए, मैं फटाफट बता दे रहा हूँ कहाँ तक ये प्रीसेट लगेगा आपको। मैं लास्ट में पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये यहाँ तक एक इफेक्ट लगेगा दोस्तों, 9.2 सेकेंड तक। यहाँ तक इफेक्ट पहला लगेगा। अब उसके आगे दूसरा इफेक्ट लगेगा दोस्तों। दूसरा इफेक्ट के लिए पिन जाइए और ये दूसरा वाला इफेक्ट है, इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद फिर बैक आइए, फिर अपने प्रोजेक्ट में चले जाइए, स्क्रॉल करिए, 9.2 सेकेंड पे चलिए। ये मेरा आ गया 9.2 सेकेंड, ये वाला हो गया। अब मैं इस पर ये इफेक्ट लगेगा दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए ऐसे, फिर इस पर भी पेस्ट कर लीजिए और फिर एक जो दूसरा का है, दो बीट मार एक और दो ऐसे छोड़ के तीसरा पे पेस्ट करिए ऐसे, फिर
एक दो छोड़ के फिर तीसरा पे पेस्ट ऐसे, फिर एक दो छोड़ के फिर तीसरा पे पेस्ट ऐसे, ध्यान से देखिएगा, फिर दो छोड़ तीसरा पे पेस्ट ऐसे दोस्तों, फिर एक दो छोड़ फिर तीसरा पे पेस्ट ऐसे, फिर दो छोड़ फिर तीसरा पे पेस्ट। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रीसेट यहाँ तक। अब मैं तीसरा का इफेक्ट लगाता हूँ, तीसरे इफेक्ट में फिर जाइए अपने इफेक्ट में, और यहाँ से ये मेरा पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा वाला। तीसरा को ऐसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद फिर अपने प्रोजेक्ट में जाइए, इसे प्रोजेक्ट में जाने के बाद फिर स्क्रॉल करिए, वहाँ तक जाइए। ये मेरा 9.0 यहाँ पे, यहाँ से मेरा चालू है, ये वाला दो प्रीसेट यहाँ से है। तो चलिए मैं फटाफट पेस्ट कर ले रहा हूँ, ऐसे ऐसे ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से नहीं यहाँ से है, इसे ऊपर पेस्ट कर ले रहा हूँ फटाफट, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से दोस्तों, फिर यहाँ से ऐसे। वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं वीडियो का प्रोजेक्ट फुल दे दूंगा, ना समझ में आया तो प्रोजेक्ट फुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके लोड करके विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे कैसे लगाया गया है। और मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ए यहाँ से मेरा आखिरी बचा है, ए यहाँ से मैं पेस्ट कर दिया दोस्तों। पेस्ट करने के बाद मेरा वीडियो चालू होगा, वीडियो चालू होने के बाद मैं यहाँ से मेरा लास्ट आखिरी इफेक्ट है वो भी पेस्ट कर ले रहा हूँ मैं, या लास्ट वाला, इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद बैक कर लीजिए, फिर अपने प्रोजेक्ट में चले जाइए। प्रोजेक्ट में जाने के बाद दोस्तों स्क्रॉल करके लास्ट में आइए, ये यहाँ से है, यहाँ से, और इसे पेस्ट कर दीजिए फटाफट। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट इफेक्ट को पेस्ट कर ले रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों, और लाइक करना ना भूले। तो चलिए मैंने वीडियो बना लिया, एक बार प्ले करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कैसी बनी है वीडियो। दोस्तों अब बचा है का HDR, आपको वीडियो में एक इफेक्ट मिलेगा जो HDR लिखा होगा, उसे जब विजिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाएगा। तो कुछ नहीं करना, इसे कॉपी कर लीजिए ऐसे, और लेयर पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद बैक कर लीजिए, और यहाँ अपने प्रोजेक्ट में चले जाइए, और लेयर पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक देखिए HDR में हो गया मेरा वीडियो, देखिए एकदम आसानी से ऑटोमेटिक देखिए दोस्तों मेरा HDR में हो गया, हर एक वीडियो हर एक फोटो देख लीजिए। देखिए मेरा HDR में हो गया दोस्तों, मैं एकदम जो अजीब गजब लग रहा है HDR में दोस्तों, देखिए दोस्तों पूरा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों कि कैसा लगा वीडियो। चलते दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो और अगले प्रोजेक्ट में, धन्यवाद।